In 2020 I got 10th position in CSS, और उसके बाद आई ज्वाइन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिससे मेरा ताल्लुक है. एंड सर उस्मान इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और ही टोल्ड मी के उनके स्टूडेंट्स को एक सेशन की जो है वो उनके साथ किया जाए. आई अपोलोजाइज फॉर दैट कि मैं पहले आपको टाइम नहीं दे सका और अब मैं आपके सामने. तो सबसे पहले बात करेंगे कि मेरे जर्नी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूटी लाहौर इन 2014 आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर सीएसएस एंड माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 2016 एंड आफ्टर 2016 दैट वाज माय फुल फ्लेज्ड अटेम्प्ट. पूरा साल मैंने मेहनत की, लेकिन 2016 के अटेम्प्ट में मैं इंग्लिश प्रेसी के पेपर में, जो कंपोजिशन का पेपर होता है, उसमें 38 मार्क्स के साथ मैं फेल हो गया. बट ओवरऑल माय स्कोर वाज वेरी गुड, दैट वाज 752. एंड इन 2017 मैंने अगेन जो है वो अटेम्प्ट दी, सेकंड अटेम्प्ट, और उस सेकंड अटेम्प्ट के अंदर फिर मैंने पूरा साल कोई जॉब नहीं की, कुछ नहीं किया, हालांकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था. और उसके साथ दोबारा जब 2017 के अंदर अटेम्प्ट दी, तो उस अटेम्प्ट में मेरा इंग्लिश ऐसे जो है वो फेल हो गया. Afterwards, I joined Pakistan Customs as intelligence officer, and I remained intelligence officer for 4 years. I served there. But during that service, I got a little respite at some point in 2020. Us waqt maine phir teesri attempt di, and that is my third attempt. And in my third attempt, I got 10th position. Alhamdulillah. So I now all the nitty gritties of CSS, because I have a very long journey of CSS struggle, about that spans over about 6 years almost. So given this scenario, CSS mein mere hamesha se compulsory ke andar aur optional ke andar bahut acche marks aaye. Every time, even during my failed attempts, mere marks jo the wo 700 plus rehte the. Pehli attempt mein 752 marks the, dusri mein 750 number the, aur ye third mein phir mere 720, 19 or 20 mere marks the. So every time I got very good score in my written exam. Now the point is, you can ask me any question regarding paper attemptation technique, paper attempt kaise kiya jaye, stress management or motivational, kyunki I have all the struggling, you know, history. So you can ask me any question. So instead of going it as a one-way communication, it will be very great if I take your questions and then I address them. So one by one, हम question लेते हैं और उन questions पे ही हम बात करेंगे, बजाय कि मैं आपके साथ कोई discussion करूँ. जी सादुल्ला, आप पूछिए अपना mic on करके. आप अपना माइक ऑन कीजिए बारी बारी और मुझसे सवाल पूछिए. म्यूट है माइक सर. ओके, अच्छा आप लिखते जाएं. अब आपने इस तरह करना है कि मैं जब कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है. अभी मुझे जो सवाल 2 दिन मिले हैं वो ये है कि हाउ आई मैनेज्ड विद जॉब, जॉब के साथ मैंने ये किस तरह से मैनेज किया. तो जॉब के साथ, अच्छा म्यूट जो है मटेरियल इतना ज्यादा होता है, तो उसमें से हम कौन सी चीज पढ़े, मतलब हर पब्लिशर ने बुक उसके ऊपर लिखी होती है, तो आपका इस पे क्या था कि आप क्या क्या रिसोर्स होता था कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. सो I would say ke, it's better to read one good book 10 times than reading 10 books once. Behtar hai ke ek kitab ko 10 dafa padha jaye bajaye ke 10 kitabon ko ek dafa padha jaye. CSS mein aapko jo dushwari pesh aayegi, jo mushkil pesh aayegi, wo ye aayegi ki aap bahut sari kitabon mein ulajh jaye. Aisa aapne nahi karna. Aapne ek subject ki aapke paas ek ya do kitabe honi chahiye, maximum 2 kitabe, usse zyada aapke paas kitabe nahi honi chahiye. To jo market mein available kitabe hain, उन्हीं किताबों पे आप रिलाई कीजिए. क्योंकि बहुत ज्यादा आपको रिसर्च वर्क और बहुत ज्यादा, जिसे आप कहते हैं कि आप
बहुत ही ज्यादा लाइब्रेरीज में जाना शुरू कर दें तो ऐसा नहीं है। अगर आप जितना ज्यादा लाइब्रेरीज में जाएंगे आप उतना ज्यादा अपने नॉलेज को जंबल करेंगे और उसको बाद में फनल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इजी गोइंग रहें। सो सेकंड, आप जिसने भी सवाल करना है वो अपना माइक ऑन करेगा, वो अपना नेम बताएगा और वो ये बताएगा कि उसको कितनी देर हुई है तैयारी करते, और फिर वो सवाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, अब आ रही है सर। मेरा नाम अनिल है, मैंने अभी एक साल से सर मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सर मुझे इसमें मसला होता है पाक अफेयर्स का जो पोस्ट पार्टीशन का जो की जो हिस्ट्री है उसको आपने हर क्वेश्चन में रिलेट करना होता है ना, जैसे जैसे आप रिलेशंस पढ़ रहे हो। तो मुझे सर उसके लिए कोई काइंडली कोई बुक या कुछ बता देंगे कि मैं पढ़ूं? अभी मेरे पास टाइम तो खैर थोड़ा कम है, लेकिन ये है कि ये पेपर अटेम्प्ट हो जाए। पाक अफेयर्स में मुझे पाकिस्तान अफेयर की पोस्ट पार्टीशन की बात की आपने? जी सर, जी सर। अच्छा, पोस्ट पार्टीशन के लिए आप एक तो इकराम रबानी साहब की बुक है पाकिस्तान अफेयर्स, वो देख लीजिए। अगर वो नहीं देखनी आपने तो फिर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहां पे जो फोटो कॉपियर है उसके पास आई गेस वो ऑफिसर्स अकेडमी के नोट्स पड़े हैं इंडो पाक हिस्ट्री के। अच्छा सर, उसमें जो पोस्ट पार्टीशन वाला एरा है आप वहां से कर लीजिए। वो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी सर मेरा नाम निसार अहमद है। मैंने जो बेसिकली प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की है अभी इसी साल से, मतलब ये स्टार्ट की थी जून के अंदर से। वैसे मैं बेसिकली टीचिंग कर रहा हूँ साथ साथ, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ फ्रॉम यूटी लाहौर। तो प्रिपरेशन के हवाले से तो मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन मुझे अभी ऐसे का इतना डर नहीं है जितना जैसे अभी आपने बताया कि आपके जो 38 मार्क्स थे प्रेसी वाले पेपर में, तो मुझे भी ना उसमें थोड़ा सा इशू हो रहा है कि अक्सर प्रेसी जो है वो चेक करवाएं वो कभी भी ठीक नहीं हुई है। ठीक है, तो अदर देन प्रेसी के बाकी जो सारी चीजें उनको कितना टाइम देना है? मतलब अभी हम देखें पेरो वर्ड्स भी बहुत ज्यादा हैं, सिनोनिम भी बहुत ज्यादा है, तो हाउ टू टैकल दिस दी ऑल थिंग्स। अब प्रेसी में तो लक है कि चल गई ठीक है, वो किसको पसंद आ गई नहीं आ गई, बाकी के वाले से बता दीजिएगा। लक नहीं है नंबर वन, ये लक नहीं है नंबर वन। ठीक है, एक्सप्रेशन है, एक मिजाज है, उस एक्सप्रेशन को उस लैंग्वेज के मिजाज को समझना जरूरी है। अगर मेरे 38 थे तो वो 38 इसलिए नहीं थे कि कोई लक का उसमें फैक्टर था, वो इसलिए थे कि मेरी वीक तैयारी थी। ठीक है, मेरे थर्ड टर्म में 75 मार्क्स हैं इन प्रेसी। सो द पॉइंट इज के ये कोई लक वाला मैटर नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिंपली आपने ये करना है कि आपने हफ्ते के अंदर 2-3 प्रेसेस लिखनी है और वो आपने किसी भी मेंटोर को चेक करवाएं, और इसके अलावा आपने एक ऐसे, ये एक आइडियल सिचुएशन है, उस एक ऐसे एक हफ्ते में आपने लिखना है। तो सीएसएस में जो इंग्लिश के दोनों पेपर्स हैं इसका ताल्लुक प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला जो प्रोवर्ब है वो सारा इधर लागू होता है सीएसएस की इस इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस प्रैक्टिस से गुजरो। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ठीक हो गया। तो सर ये कितने, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हमें पेरो वर्ड्स और ये सिनोनिम्स हैं ये कितने करने चाहिए, कहाँ तक करने चाहिए, हम ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। मतलब अदर देन प्रेस किसी भी जो बुक है जो अवेलेबल है वो आप करें, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो आते हैं वो लाजमी कीजिए। उसके अलावा जो सिनोनिम एंटोनिम में जीआरई की लिस्ट है, सबसे पहले आप जीआरई की जो लिस्ट है उसमें 500 वर्ड्स की गूगल से डाउनलोड कीजिए, फिर उसके बाद अपने लेवल को बढ़ाते जाइए। जी ठीक, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, माय नेम इज मुनीर हुसैन एंड 2023 विल बी माय सेकंड अटेम्प्ट। तो मुझे बस ये आपसे पूछना था कि आपकी मार्क स्कैनिंग टेक्निक्स क्या थी तीनों अटेम्प्ट में। द पॉइंट इज कि हाउ यू गेट गुड मार्क्स। नंबर 1 इज के यू रिमेन वेरी
रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, जो बात पूछी गई है डायरेक्ट उसको हिट करें। मैं तो इवन कोई खास इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखा करता था क्वेश्चन का, आई वुड डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन। फॉर इंस्टेंस अगर उसने पूछा है कि मुझे याद है कि 2016 की टेंथ में उसने सवाल पूछा था इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर के 34 कंट्रीज का जो इत्तेहाद कायम हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो बजाय मैं ये बताता कि 34 ममालिक का इत्तेहाद है, वो क्या है, वो कैसे है, वो कब बना, वो गूगल की इन्फॉर्मेशन देता, मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया, नो इन माई ओपिनियन पाकिस्तान शुड नॉट ज्वाइन, माई आर्ग्यूमेंट्स, देन there were my arguments. So the point is ki you directly hit the question. Mera koi bhi sawal kisi bhi paper mein 5 pages se zyada nahi hota tha. 5 pages means ye 2 pages hai, 1 and 2, these are 2 pages, so 5 pages were my upper limit, but that depends upon your handwriting, your own limits. So you test your limits ki meri limits kya hain, length wise meri limits kya hain, wo you can test in your mock exams. Aap jab mock wagera dete hain किसी भी एकेडमी में दे लें, किसी मेंटोर को दे लें, बट मॉक से गुजरें, उस एक्सरसाइज से गुजरें, उस दो पेपर्स देने वाली, एक दिन में दो पेपर्स देने वाली एक्सरसाइज से लाजमी गुजरें। तो दिस इज आई गेस टेक्निक के टू द पॉइंट रेलिवेंट, और आपने जस्ट मटेरियल को ठोंस के नहीं आना, जो आपको पता है दैट डजंट मैटर, जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। सर क्या आप डायग्राम्स एंड वो मैप्स वगैरह बना देते हैं, बस ज्यादा थ्योरेटिकल पे ही? Obviously, बना सकते। Next question. Thank you, sir. ठीक। Assalam alaikum, sir. Waalaikum salam. Sir, मेरा नाम जवेरिया है और मेरी ये second attempt होगी। मेरी first attempt में failure की cause थी, मेरी direction बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मेरी जो प्रिपरेशन है दैट वाज इन रॉन्ग डायरेक्शन, तो ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट होगी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे से रिगार्डिंग है कि मैक्सिमम कितने थीम्स जो हैं वो हमें प्रिपेयर करने चाहिए, और अभी तो लास्ट मंथ चल रहे हैं, इसका दिसंबर का भी एंड होने वाला है, तो सर ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि जो हमने थीम्स जितना मैक्सिमम प्रिपेयर कर रहे हैं आर दे आर एनफ, तो इसका बहुत फियर डेवलप हो रहा है, तो मैक्सिमम सर कितने थीम्स प्रिपेयर करने चाहिए हमें? ओके, सो इफ यू आस्क मी, तो मैंने कोई भी स्पेसिफिक कोई एक थीम भी प्रिपेयर किया था, बिकॉज़ थीम प्रिपेयर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैन यू राइट समथिंग एक्सटेम्पोर, आप वहां पे बैठे हैं तो आप लिख सकते हैं या नहीं, दैट आर्ट शुड बी डेवलप्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द थीम्स एंड रेडीमेड मटेरियल। That is, but that is a safe approach that you are adopting, कि आप themes भी तैयार कर लेते हैं, मसलन आपके पास data होगा education में क्या हो रहा है, क्यों education weak है, that is good कि अगर आपको themes भी तैयार है, but the actual thing that is the competition means can you drive a car when you are on a driving seat, so that comes with a lot of practice, so you should at this stage when it's December you should just practice essays. And get them evaluated, get them checked, and at the end bhi aapko even ek din pehle tak bhi lagega ki meri taiyari theek hai. Ji. Next question. Sir, aapke optional subjects kaun se the? Mere optional subjects international relations, international law, gender studies, Punjabi aur Indo-Pak history. Assalam alaikum, sir. Sir. सर मेरा नाम हृदय है और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। मुझे ये सवाल है आपसे कि पढ़ाई तो पूरी हो गई है, मुकम्मल लग भी रहा है कि तैयार है, लेकिन जब मॉक एग्जाम या पेपर देने से पहले जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा ही मेरा मैनेज नहीं हो रहा, और जिस तरह कहते हैं कि इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, तो वो बिल्कुल इस ऑपोजिट जा रहा है सिलसिला, तो उसको किस तरह मैनेज किया जाए, और जब पेपर में आप बैठ रहे हैं तो वो किस तरह सारा स्ट्रेस किस तरह उस प्रोसेस से बंदा गुजरे। अभी आपको मेरे बोलने से भी अंदाजा होगा कि मैं कितनी स्ट्रेस आउट हूँ, तो प्लीज इस चीज को किस तरह हैंडल किया जाए। आई गॉट इट। स्ट्रेस ये है कि मैं क्या किया करता था, मैं अपने आप को बताता हूँ कि व्हेन आई वुड सिट इन एग्जामिनेशन हॉल, जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता था,
लोगों के ना लिप्स चल रहे होते थे, कुछ वो पढ़ रहे होंगे, कुछ वो अपने अपने ईमान के मुताबिक जो है वो याद कर रहे होंगे, बट वो जो ईमान के मुताबिक याद करना होता था वो मैं घर से कर जाता था। वहां बैठ के मैं चील करके बॉल पॉइंट पकड़ के यूं यूं कर रहा था और गाने गा रहा था अपने जो मेरे फेवरेट होते थे। तो द पॉइंट इज के आप उस सिचुएशन से, इसलिए मॉक एग्जाम होते हैं कि आप उस सिचुएशन से गुजरे, बार बार गुजरे ताकि आपको स्ट्रेस फील ना हो। तो माय पॉइंट इज कि आप रात को सोते वक्त गाने गुने सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, और दूसरा ये है कि हफ्ते में एक दफा अपनी फेवरेट मूवी शूवी भी देखिए, उसके अलावा शाम को रात को सोते वक्त लाजमी को 10-15 मिनट अपने फेवरेट सॉन्ग से सुने, और जब मोटिवेशन का लेवल नीचे आए तो किसी ना किसी मोटिवेशन स्पीकर को 10-15 मिनट सुने। कासिम अली शाह साहब हैं पाकिस्तान के, और काफ़ी ज़्यादा स्पीकर्स और ट्रेनर्स हैं, आप किसी नई कासिम अली शाह से आपका फाका हो रहा तो किसी बाहर के इंग्लिश ट्रेनर को सुन लीजिए, बट खुद को मोटिवेट रखिए। और तीसरा यह है कि आप अपने दोस्तों को जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं उनसे बात करना फिलहाल छोड़ दीजिए। आप सीएसएस के अगर स्ट्रगल में हैं तो उन दोस्तों से मिलना, बात करना, उनसे चैटिंग करना, उनसे पूछना, गपशप करना, मिलना छोड़ दीजिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। अपने इर्द गिर्द उन लोगों में उठिए बैठिए जो आपको कहते हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे एसए के रिलेटेड है। सर जब आपने क्वालिफाई किया था तो मुझे अभी भी आपका वो सेशन याद है जिसमें आपने शायद आईसेप का सेशन दे रहे थे या शायद किप्स का था, आपने कहा था मोशा देखी होना चाहिए, मुझे वो आपकी बात अभी तक याद है। और आपने कहा था कि एसए की फेलियर की वजह भी शायद मेरी यही थी कि मेरा मोशा देख नहीं था, तो सर काइंडली वो बात बता दें कि क्या टेक्निक थी जो आपने मतलब वेरी की बाकी सारी अटेम्प्ट्स में जो जो आपने चेंज की, तो उस हवाले से बता दें। थैंक यू। इसके एक शेर है मियां मोहम्मद बख्श का है, यस या हमारे शक है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग। बिना मुर्शिदा रा ना हाथ थांदे बाज दुदा ना रुजदी खीर मिला, यानी मुर्शिद के बगैर रास्ता हाथ में नहीं होता और दूध के बगैर खीर नहीं बनती। तो मुर्शिद की हैसियत वही है जो खीर बनाने के लिए दूध की है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो आप टीचर्स को आज कमर्शियल आप डायनामिक्स में टीचर्स को देख रहे होते हैं, आप मुर्शिद नहीं पकड़ते। मुर्शिद पकड़ने का मतलब यह है कि जब आप किसी एक टीचर के पीछे चलना शुरू किया है तो फिर उसी के पीछे चलते रहे, वो जैसे डायरेक्शन करे, जैसे आपको कहते रहे वैसे करना शुरू करो। किसी भी एक टीचर को पकड़े, सक्सेस आपके पीछे भागी। आप लोग क्या करते हैं या अमूमन कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो हर टीचर का एक चस्का ले रहे, एट दी एंड उनको कुछ भी नहीं हासिल होता। मेरा एक दोस्त था व्हेन आई वाज इन एफएससी, तो वो क्या करता था कि वो एक एकेडमी में एडमिशन लेता था, उस एकेडमी के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो महीने भर जब फीस मांगती थी तो वो दूसरी एकेडमी में चला जाता था, तो एट दी एंड उसको कुछ हासिल नहीं हो सका था। द पॉइंट इज कि आप किसी एक के पीछे चले, किसी एक के पीछे। तो मेरे किसी भी सब्जेक्ट में आज तक मेरी मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड मुझे सारे टीचर्स अच्छे लगते हैं, लोगों को कि नहीं लगते। लोग कहते हैं नहीं फलां टीचर के पास अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आया, फलां टीचर अच्छा नहीं, फलां टीचर अच्छा नहीं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों? जब एक को जो टीचर है तो बस उसके पीछे फिर चल पड़े, जब चल पड़े तो फिर चल पड़े। तो आप जगह बदलना छोड़िए, चस्के लेना छोड़िए, किसी एक को पकड़े लगे रहे। तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस रिलीवर, क्योंकि पढ़ना आप एट द एंड आप किसी भी टीचर ने सी एस एस के अंदर स्पून फीडिंग नहीं करनी, आपको डायरेक्शन देनी है। दैट इज अ कॉम्पिटिशन ऑफ क्रिएटिविटी। आप मास्टर्स करके आए हैं, आपको एक टीचर जस्ट डायरेक्शन देगा। मैं आज आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, बाकी आप बालक हैं, अकलमंद हैं, साहिब अकल हैं, मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, नए नए पढ़े हुए हैं, अभी आपके सी जी पी ए भी 4 में से 3.94 यहाँ कहीं होंगे, मेरा वैसे 2.6 था। द पॉइंट इज यू आर वेरी टैलेंटेड पीपल, you know how to pick, how to choose, how to sort, all these techniques you know well. So, इसलिए आप simply एक सराते मुस्तकीम एक रास्ते पर चलें। Next question. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फैजान है और सर मैं तकरीबन 3 to 4 months हो गए मैं study start की। सर मेरा 2-3 questions है। First question तो ये है कि कि मैं कोई 7 बजे से लेके कोई रात के 7 बजे तक
मेरा ऑफिस होते मतलब 7 बजे घर से निकलता और 7 बजे पहुंच जाता हूँ, तो एक तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत टफ है। और दूसरी बात ये सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रीसी का पेपर होता है, तो सर प्रीसी उसमें पास करना जो 20 मार्क्स का अपना ही प्रीसी होता है, तो ये सर एक मेथ है उसका भी पास करना या नहीं, वो एज ए होल 100 मार्क्स होगी। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो ऐसे है तो उसका मतलब लिंक से क्या रिलेशन है, कि मतलब लिंक मैटर करता है या नहीं, मतलब एक्यूरेट मटेरियल हो सब कुछ आपका, कोहेरेंसी सब कुछ है, लेकिन फिर भी लिंक कितना मैटर करता है सर, ये क्वेश्चंस थे। पहला सवाल है आपका कि जॉब के साथ है तो आपको पेपर्स देने के लिए फाइनली आखिरी 3-4 महीने छुट्टी लेनी पड़ेगी, ये बात तो तय है बिल्कुल। अगर आप इस रूटीन के साथ टाइम देंगे तो आप जीन हो सकते हैं कि आप इसको कर जाएं। दूसरा आपका सवाल ये है कि जी प्रेसी के पेपर में क्या जिस तरह पेपर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हैं, अगर आपने सिनोनिम एंटोनिम में 20 नंबर ले लिए, आपने किसी और में 10-20 नंबर ले लिए, 40 पूरे हो गए, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे होगा। प्रेसी के पेपर में प्रेसी सबसे पहले पढ़ी जाती है आई गेस, मुझे लगता है जो ट्रेंड है जिस तरह से पेपर्स के हमें नजर आता है, तो वो प्रेसी से जज करता है कि ये बंदे का पोटेंशियल क्या है, बाकी चीजें वो बाद में वो मैटर नहीं करता। सो सीएसएस के पेपर्स के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल मींस मुझे लगता है ये इट्स माय अजम्पशन, सीक्वेंशियल के पहले ये चीज चेक होगी, ये वाला टेस्ट क्राइटेरिया पास तो फिर अगली चेक होगी, अदरवाइज उधर पार है। इट्स माय ऑब्जर्वेशन, मुझे लगता है कि ऐसा है। प्रेसी पढ़ के आपको वैसे भी अगर आप टीचिंग की लाइन में हो, आप इंग्लिश को पढ़ने वाले रीडर हैं, तो आप किसी भी इंसान के पोटेंशियल को जज करने के लिए आप शायद पेयर ऑफ वर्ड्स और सिनोनिम्स चेक नहीं करेंगे। मुझे आपका भी पोटेंशियल देखना हो तो मैं कहूँगा राइट समथिंग, आप कुछ लिख के मुझे दीजिए, तो उस पैराग्राफ में आपकी पूरी पर्सनैलिटी पूरा आपका एक्सप्रेशन छलकेगा। तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि प्रेसी के पेपर के साथ भी ऐसा। तीसरा आपने पूछा कि ऐसे के अंदर लेंथ का क्या सीन है। आई डोंट थिंक के लेंथ मैटर करते, कुछ लोगों ने बड़ी कम लेंथ के साथ भी पास किया है, कुछ लोगों ने बड़ी लंबी लेंथ के साथ भी पास नहीं किया। व्हाट मैटर्स इज कि क्या आप जस्टिस कर पाए हैं, जस्टिस की डेफिनेशन क्या है, क्या आप उसका हक अदा कर पाए हैं उस मौजू का। और हक अदा अमूमन कम से कम हक अदा भी 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में होता है। तो मुझे लगता है मेरे दोनों दफा जो ऐसे पास है, पहला भी थर्ड भी, तो मेरा दोनों दफा ऐसे 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में ही कहीं था, इससे ज्यादा नहीं था। तो बहुत लेंथी 3000 का मतलब है कि अपर लिमिट है, 3000 को अब आपने टच करने नहीं चले जाना। 3000 उसने इसलिए लिखा होता है कि कोई बंदा मैक्सिमम भी अगर भाग सकता है तो मैक्सिमम भाग ले, एक कैनवस दिया है ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे लिमिट मेरी क्यों इतनी कम थी, मैं तो लिख सकता था, आपने 1000 की लिमिट क्यों लगा दी। तो अपर लिमिट इतनी ज्यादा रखने का मकसद ये है पेपर सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिल्कुल ओपन कैनवस, ओपन मैदान आपको दे दिया गया है, मैक्सिमम भाग लो 3 घंटे में, मैक्सिमम कोई शेर का बच्चा भी होगा तो शायद 3000 वर्ड्स तक नहीं पहुंच सकेगा। तो इसलिए वो एक कैनवस दिया गया है कि आप खेलें, आप गिला ना करें जी मुझे खेलने का मौका मिला, आपको मैक्सिमम दिया गया है 3000 का ये मतलब है। आप लोग 3000 की वर्ड लिमिट को समझते हो शायद उसको टच करके ही सांस लेना, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक और क्वेश्चन भी है, डोंट माइंड सर। जी सर, मतलब अभी तो एक बंदा पेयर नहीं होता ना, पास तो थोड़े होते हैं, इतने बंदे होते, तो हम अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करें कि हम एक, ये तो कंपटीशन है, तो अपने आप को कैसे मतलब डिफरेंट रखें लोगों से कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। डिफरेंट की कोशिश ही ना करें, आप अपने मन को राजी करें, डिफरेंट खुद ही हो जाता है। डिफरेंट के चक्कर में, कॉन्शियस डिफरेंस पैदा करने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा इधर उधर से मटेरियल पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो कम चीज है वो ऑब्वियस चीज है, लोग ऑब्वियस चीज भी नहीं पेपर में लिखते इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो पहले ऑब्वियस ही जस्ट जो लिख लेता है, जो रेडीमेड जो अवेलेबल बुक्स हैं वही जो छाप लेते हैं तो हो जाते हैं पास, ऐसा मसला नहीं। लोग वो नहीं छापते, इधर उधर की बातों में चले जाते हैं और हैंडल नहीं कर पाते।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इंटरनेशनल स्टेशंस के लिए प्लीज कुछ बता दें, वो आपने किस तरह से सारा सिलेबस किया था और किस तरह से उसका पेपर सॉल्व किया था, दोनों पेपर्स में थ्योरी अप्लाई करना जरूरी है ये सब। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में मार्क्स लेने का एक ही तरीका है कि आपने थ्योरीज को अप्लाई करना है, नंबर वन। नंबर टू, आपने उसका जार्गोन इस्तेमाल करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान और इंडिया जो है, इन दोनों के दरमियान जो है जंग है, दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं, अगर पाकिस्तान इंडिया को मारेगा तो इंडिया पाकिस्तान को मार देगा, एटम बॉम्ब है दोनों के पास, तो बजाय मैं ये इतनी लंबी चौड़ी बात करने की, जब मैं इंटरनेशनल रिलेशन का जार्गोन इस्तेमाल करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, बोथ हैव अ पैराडाइम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एंड दे बोथ हैव एबिलिटी फॉर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, that is international relation jargon. International relation paper ही उन keywords और jargons का है जो उस subject से specific है, plus theories को apply करना, that's all. और कहाँ से करें वो, multiple sources हैं, थोड़े से उसके ज्यादा sources हैं, मसलन theories वाला portion John Bayliss की book है, globalization of world politics, I guess यही नाम है, तो उसमें से theories का part वहां से हो जाता है, फिर KIPS के भी अच्छे बुक है, बाकी आपको उसके लिए अपडेट भी रहना पड़ेगा। आप जो करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशंस में जो डिफरेंस है, दैट इज डिफरेंस ऑफ थ्योरीज एंड जार्गन। करंट अफेयर के पेपर में हो, पेपर की बात नहीं, वैसे जो अखबार में आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो शायद ये कह रहा हो कि अगर पाकिस्तान इंडिया पे बॉम्ब गिराएगा तो इंडिया पाकिस्तान को मार देगा, जबकि इंटरनेशनल रिलेशन की बुक कहेगी कि म्यूचुअली श्योर डिस्ट्रक्शन का इनके दरमियान रिलेशन है। दिस इज बेसिक डिफरेंस between current affair and international relations. Next question. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. Sir, mera Punjabi se related question hai. Ji ji. Sir, maine PMS mein mera Punjabi paper 2 fail hua hai. Aur mera jo paper 1 hai usme I scored 68 aur paper 2 mein 24. तो मुझे अब ये नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि मुझे पंजाबी की मैंने रिटन प्रैक्टिस की थी बट मैंने उसकी कोई इवैल्यूएशन वगैरह नहीं करवाई थी, तो आपको क्या लगता है मेरे रिटन एक्सप्रेशन की वजह से वो फेल हुआ होगा या किसी और कोई और रीजन हो सकती है? आपने तो बिल्कुल उसी तरह सवाल कर दिया जैसे वो पीर को नहीं सवाल कॉल करते, ऑनलाइन कॉल करते, सर मेरा ये मसला ये आप बताइए क्या होगा, तो मैंने ना आपका लिखा हुआ देखा है ना मुझे आइडिया है, और दूसरी बात ये कि पंजाबी में मेरा पीएमएस मैंने कभी नहीं दिया, तो मुझे पीएमएस की पंजाबी का आइडिया नहीं है, बट सीएसएस की पंजाबी को मैंने पढ़ाया भी है, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके 70-80 की लाइन में भी मार्क्स आए हैं। सर, सीएसएस में मेरे 68 मार्क्स हैं पंजाबी में, तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे लाइक राइटिंग इम्प्रूव करनी है या शेर बहुत याद करनी है। मैंने आपका पेपर नहीं देखा, लेकिन जनरली पंजाबी में नंबर लेने का मतलब रास्ता ये है कि आपने शेर लिखने हैं ज्यादा से ज्यादा, हर आपके आर्गुमेंट के साथ हर हेडिंग के अंदर आपका रेलिवेंट शेर के बंद का आना बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ या आप चले जाओ पहले? अस्सलाम वालेकुम सर, सर मैंने जेंडर स्टडीज के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछना था कि अच्छा स्कोर किस तरह कर सकते हैं, एक तो आप थ्योरीज हैं वो इम्प्लीमेंट करें, और इसके अलावा स्टैट्स ज्यादा होने चाहिए पेपर में, क्योंकि ये थोड़ा सा करंट हो जाता है ना, आपके जिस तरह के करंट हो रहे होते हैं इंसिडेंट्स जेंडर के या जो भी कोई मूवमेंट्स हैं कुछ भी, ये आप लिखें तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं या कुछ और भी कुछ? 86 मार्क्स थे मेरे, तो जेंडर स्टडीज को लेके मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि जेंडर स्टडीज का पेपर आपने एक तो नंबर वन लिबरल माइंड के साथ अटेम्प्ट करना है, ये एक वेस्टर्न सब्जेक्ट है, इसके चेकर्स भी यहाँ पे वेस्टर्न है, पंजाब यूनिवर्सिटी में जेंडर स्टडीज का डिपार्टमेंट कायदाजम यूनिवर्सिटी के साथ है, दिस इज अ वेस्टर्न थॉट, आपने उसको यहाँ के माइंड सेट के साथ अटेम्प्ट करना, नंबर वन एक आजाद लिबरल एक स्पेक्ट्रम के साथ आपने अटेम्प्ट करना। दूसरी बात ये कि आपने थेरीज को उसमें रिलेट करना है, जो थेरीज है आपके जहन में वो सारा होना चाहिए कि फर्स्ट वेव सेकंड वेव लिबरलिज्म क्या है, रेडिकलिज्म क्या है और क्वीर थेरी क्या है, और उसके सारे पर्सपेक्टिव आपके सामने होने चाहिए।
तीसरा आपने उसमें एग्जांपल्स भी डालने, जैसे जो कोई नया केस आ जाता है, जैसे जब मैंने टाइम्स दी थी तो कंदील बलोच का भी उसमें केस आया था, उसको रिलेट किया था, और आपके पास नए फैक्ट्स भी होने चाहिए कि यहाँ पे सिंध में शादी जो अंडर एज शादी है उसका कानून क्या है, पंजाब के अंदर क्या है, आपको यह भी होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जेंडर स्टडीज इज मोर लाइक अ सोशियोलॉजी पेपर, इट्स अ सब डोमेन ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मैं ताजर बात कर रही हूँ। मैंने भी जेंडर स्टडीज से ही रिलेटेड ऐसे किया था, तो मुझे भी ऐसे के ही बारे में क्वेश्चन पूछना है। दरअसल क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली एग्जामिनर्स मांगते क्या है ऐसे में, क्योंकि मेरा 2023 सेकंड अटेम्प्ट होगा। तो फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया था उसके अंदर मैंने जेंडर स्टडीज से रिलेटेड मैंने ऐसे किया था, और मैं जो टॉपिक था वो आता था ऑलरेडी, क्योंकि वो मूवमेंट से था तो वो ऑलरेडी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। तो जब मैं पेपर करके आई थी एटलीस्ट मुझे सेटिस्फैक्शन थी कि हाँ मैंने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी है और इंग्लिश भी मेरी समवट ही है, तो पास तो मैं नहीं हुई। पर तो एग्जैक्टली मुझे ये समझ नहीं आ रही कि व्हाट एग्जैक्टली डू द एग्जामिनर्स वांट। आपके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी आपको दी हुई है, आपको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत सही दे दी है, तो मतलब किस तरीके से हम ऐसे को अटेम्प्ट करें कि वो चीज जो वॉइड है वो किस तरीके से फुलफिल की जाए, एग्जामिनर्स भी आपके ऐसे से सेटिस्फाइड हो। सबसे पहली बात ये है कि जो इंफॉर्मेशन का आपने अबंडेंस नहीं कहा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसे एंड रिपोर्ट। आप में से अक्सर लोग रिपोर्ट लिखते हैं, बहुत ज्यादा स्टैट्स डालते हैं, हर पैराग्राफ में स्टैट्स डालते हैं, एसे इज नॉट लाइक दैट। एसे की डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन है जिसको आप उर्दू में इंशाया कहते हैं, इंशाया एसे, इसकी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी तहरीर के जिसमें एक इशू जो है, एक बात जो है, एक टॉपिक जो है, वो एक मैट्रिक पढ़े इंसान को समझा सके आप। This is simplest definition of essay. एक simple flow में लिखी गई तहरीर का नाम ऐसे है, जैसे एक पानी फ्लो में बहता है, आपको वो बहता हुआ महसूस होता है कि ये फ्लो में है उस एक्सप्रेशन के साथ। अब मुझे नहीं आइडिया कि आपके ऐसे में, मैंने आपकी तहरीर को चेक नहीं किया कि उसमें एक्सप्रेशन का इशू है, उसमें फ्लो का इशू है, उसमें आपने बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया जो उस लफ्ज वहां आते हैं। मुश्किल वर्ड्स के इस्तेमाल से बात निकली कि आप लोग इंग्लिश के सिनोनिम्स जब आपको आते हैं तो आप उसको वर्ड उसमें सेंटेंसेस में यूज करने में बड़ा मजा लेते हैं, फख्र महसूस करते हैं, वर्बोसिटी में आप बड़े खुश होते हैं। तो बात यह है कि हर लफ्ज का इंग्लिश के अंदर या किसी भी जुबान के अंदर एक दायरा कार होता है, उस दायरे से बाहर वो लफ्ज इस्तेमाल होता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको ये कहूँ कि अंदर आप अंदर कदम रंजा फरमाइए, अब इसका क्या मतलब कि आप अंदर आइए, लेकिन ये आम जुबान में इस्तेमाल नहीं होता कि कदम रंजा फरमाइए, ठीक है ना, ये भारी भरकम मैंने वर्ड यूज किया, बात ठीक है कदम रंजा फरमाइए, लेकिन ये गालिब वाला लेवल चला गया ना, उसकी जरूरत नहीं। उसकी बजाय मैं क्या कहूँगा कि आप अंदर आइए, या मैं आपको, यानी बात समझ रहे हैं, आप वर्बोसिटी की तरफ जाते हैं। तो ये एक मसला ओवरऑल या जनरली मैंने देखा है कैंडिडेट्स को आता है कि दे गो फॉर अ टफ इंग्लिश। I would suggest सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपका ऐसे जो था वो 1000 से 1500 वर्ड्स का था, मुझे ये पूछना था क्या ये जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लेंथ है, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए भी 1000 से 1500 है, या आपने कोई लिटरेरी टॉपिक पे ऐसे लिखा था और जिसके लिए 1000-1500 जो है वो सफाइस होते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन है सर। दूसरी सर मेरी भी तीसरी अटेम्प्ट है और दोनों दफा मैं बहुत नैरो मार्जिन से जो है 19 में और 21 में रहा हूँ, और अब जॉब भी है, तो आपकी बड़ी मोटिवेशन है, आपकी भी तकरीबन यही स्टोरी रही है, तो काइंडली अगर उससे लिहाज से सर कोई स्पेशल टिप अगर हो तो दे दें। मेरा चूंकि आपने मोटिवेशन की बात की तो इस आज की डिस्कशन से ज्यादा अगर आपको कहीं डीमोटिवेशन लगी है तो मोटिवेट होने के लिए उर्दू पॉइंट का एक इंटरव्यू है मेरा, आप यूट्यूब पे जाके लिखिएगा बांसुरी बजाने वाला सीएसएस कर गया, तो आपको एक इंटरव्यू उसमें आ जाएगा, तो वो भी देखिएगा एज ए एक्स्ट्रा चीज। अब आपने जो सवाल किया कि लेंथ के हवाले से, बात यह है कि
कि इसमें कोई रूल नहीं है। मैंने आपको सिंपल ये बताया कि 3000 की लिमिट है। आप क्यों लिमिट क्यों लगाते हैं? मैंने इतना लिखा, अब लिखें भागे फुल भागे कहाँ तक भागे। मैं इसलिए 1500 पे बस होता था कि मेरा टाइम खत्म हो जाता था और मेरी बस हो जाती थी और मेरा जस्टिस भी हो जाता था, सब्जेक्ट भी क्लोज हो जाता था, तो मेरी तो उतनी ही थी। मैं ऑलरेडी रिग्रेस प्रैक्टिस के जरिए मुझे पता था अपनी लिमिट्स का। सबसे ज्यादा आपको पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है? अपनी हदों को जानना, अपनी हदों की पहचान करना। परों का होना जरूरी नहीं है, परों के साथ आप कितना उड़ सकते हैं वो जानना जरूरी है। बात समझ रहे हैं? अपनी लिमिट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो वो लिमिट्स को आप जानेंगे जब आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ रह गए पेपर्स में, मेरे थोड़ी सी तैयारी रहती है, तो मैंने मेरा जो प्लान है वो ये है कि आखिरी महीने में रिवीजन करनी है। तो सर मेरे पास जो नोट्स पड़े हुए हैं वो लेंथी नोट्स हैं, तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि मैं उस एक महीने में क्या उन्हें शॉर्ट नोट्स बनाऊँ और अपने पेपर से पहले वाले रिवीजन की तरफ जाऊँ, या फिर बस उन्हीं को ही रिवाइज करूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि वन पेजर। अगर तो आपका हाथ उन पे सेट हो गया हुआ है, आपकी मेमोरी में वो वाले नोट्स पड़े हुए हैं, मेमोरी में आपको पता है इमेज मेमोरी बनते हैं ना इंसान, आपको पेजेस भी याद हो, तो अगर आपकी मेमोरी में वो वाले पेज उस तरह हैं तो फिर आप उन्हीं नोट्स को यूज़ कीजिए। वरना एक सब्जेक्ट का चूंकि आखिर में टाइम नहीं होता पेपर्स के दौरान, तो एक सब्जेक्ट के नोट्स 2 से 3 सफ़ों से ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ हेडिंग्स ही लिखी होती है, एक इशारा ही लेना होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम जैनब है और मैं पंजाबी जो है वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। सर पंजाबी से रिलेटेड मैंने आपसे 3 सवाल बस पूछने हैं। सर मैंने पढ़ ली है बुक 3-4 दफ़ा, मैंने इसको याद भी कर रही हूँ। सर मुझे ये चीज़ बस थोड़ा सा तंग कर रही है कि जैसे तारुफ होता है या नाम, तारुफ की हम चलें वो जो पहला पैराग्राफ होता है वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद ये जो नाम वगैरह होता है या इंट्रोडक्शन होता है वालिद का नाम ये सब कुछ, क्या ये नहीं लिखते ना? और इसके अलावा सर ये एक सवाल के अंदर 15-15 हेडिंग्स हैं जो पहले वाले 4 शायर हैं, तो वो 15-15 हेडिंग्स तो हम नहीं लिखेंगे ना, लाइक हम रट्टा नहीं उसका पूरा लिख के आएंगे, हम उसकी कोई 8-10 हेडिंग लास्ट में जी आपने हेडिंग लिखनी है, हेडिंग लिख के एक लाइन लिखनी है उस हेडिंग से रिलेटेड, नीचे शेर लिखना है, हेडिंग बंद जी। और सर ये जो एक नसर वाला पोर्शन है सर, इसमें कुछ एडिशनल मटेरियल दिया हुआ है, एडिशनल मटेरियल की अगर मैं एज इट इज, अगर उसकी एज इट इज लाइन कोई पकड़ के हम लिख दें तो वो क्या हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकते हैं? एक्स्ट्रा मार्क्स का तो नहीं पता, ठीक है आपने लिखा है लिख लें, लेकिन जरूरत नहीं। सर आप पढ़ाते हैं आजकल पंजाबी? बिकॉज़ मुझे पढ़नी है, मुझे अपनी इवैल्यूएशन करवानी है। वैल्यूएशन मैं कर दूंगा, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं खुद बड़ा बिजी हूं आजकल, बट आई विल स्टार्ट आफ्टर 2 मंथ्स मे बी 1 or 2 मंथ्स, तो आप मुझे वैल्यूएशन करवा सकते हैं सर। उस्मान साहब आप तक दीजिए, बट डेफिनेटली आई विल चार्ज। यस आई विल गिव यू द फीस सर, जो भी फी होगी, बस मुझे ये है कि वैल्यूएशन मुझे करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बस ये टीचर्स कह रहे हैं कि आपको मतलब 60% तैयारी के साथ अटेम्प्ट देने जाना है या 70% या 50%, सर तो आपके इसके हवाले से क्या राय है कि हमें कितनी परसेंट तैयारी के साथ जाना चाहिए मतलब अटेम्प्ट देने? मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल ले दूँ, मैंने 2021 में एक अटेम्प्ट दिया है, तो उसमें मतलब मेरे कुछ पेपर फेल हो गए, तो अभी 22 के लिए मैंने खुद माइंड बना लिया था, मगर जब वो रिजल्ट मैंने देखा तो फिर मैं मतलब हट गया उससे ना 22 के अटेम्प्ट से, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अभी मेरी तैयारी उसी तरह से है ही नहीं ना। तो सर हमें मतलब कितनी परसेंट तैयारी हो तो हमें मतलब एग्जाम देना चाहिए ना, तो इसके हवाले से सर थोड़ा गाइड करें।
जी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मुझे बताइएगा, चैट बॉक्स में बताएं क्या सुन पा रहे हैं, कनेक्शन इशू था? सर वी कैन हियर यू सर। जी जी, सवाल क्या था? सवाल अच्छा, किसी का सवाल था कि अटेम्प्ट जो है वो कितने परसेंट, तो भाई यार क्वांटिफाई मैं कैसे कह सकता हूँ इतने परसेंट के साथ इतने परसेंट के साथ, दिस इज वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि मेरी, मैं इवन क्वांटिफाई नहीं कर सकता कि इतने परसेंट आई। मैं अपनी हर अटेम्प्ट मैंने 100% के साथ दी, तो मेरे लिए तो 100% था, मैंने सिलेबस का कोई एक नुकता भी नहीं छोड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा ख्याल आपको सवाल खत्म हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने कहा कि एक एक्सटेम्पोर स्पीच हमने करनी है वहाँ पे एसे में जाके, सर वहाँ पे अगर हम कोई इस तरह का एसे पिक कर लेते हैं जो कि टॉपिक आउट ऑफ द ब्लू आ गया, हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उसमें, हमारे जहन में उसके पॉइंट्स तो हैं बट वी डोंट हैव फैक्चुअल डाटा एंड कोटेशंस टू कोट अबाउट इट, तो इज इट वर्थ टेकिंग रिस्क कि हम उसको पिक कर लें टॉपिक और उस पर लिखना शुरू कर दें? उसको तो आप तभी पिक करेंगे ना जब आपके पास कोई सेफ एसे नहीं बचा, तो दूसरी ऑप्शन यही है कि दरवाजा खुला आपके रूट के चले जाएंगे। तो अगर आपने वहां बैठे तो फिर कुछ तो करना है, तो अटेम्प्ट आप करेंगे, तो कोटेशंस जो है, कोटेशंस जरूरी नहीं लिखे मेरे तो किसी ऐसे में कोई कोटेशन नहीं, फैक्ट्स भी नहीं, मतलब एनालिसिस मैटर करता है यार, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग मैटर करती है, हाउ यू टैकल कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है इशू के, उसके सॉल्यूशंस क्या है, दैट होल पार्ट इज एनालिसिस, उसको आप किस तरह टैकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि रिलेटेड एक टीचर थे तो जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं पैराग्राफ में तो उसके अगेंस्ट आपके पास एविडेंस होना चाहिए, और मतलब अगर कोई IMF की आप कोई एक फैक्ट कोट कर रहे हैं तो इवन उसकी भी आप रिपोर्ट बताएं कि इस रिपोर्ट के अंदर और फिर आगे कॉमा IMF इस तरह, तो सर यूँ तो फिर बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है। जी सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, और वो पूछने का मकसद ये कि आप माशाल्लाह मतलब बहुत ज़्यादा मुझे आपकी बातों से मोटिवेशन मिली है, और थोड़े आप डिफरेंट भी हैं, लाइक सबसे जो आपने बातें की हैं लाइक सीरियसली मैं तो बहुत ज़्यादा सुन के ना एक वो मोटिवेशन लेवल बढ़ गया है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि एक मुर्शिद होना चाहिए ना इस पॉइंट पे, इन केस थोड़ा सा मेरा एक डिफरेंट सा वो है कि आपने एक मुर्शिद पकड़ लिया, ठीक है, क्योंकि ये एक लंबा जर्नी है ना, इतना ज्यादा आपको लाइक इतना टाइम लगता है, अच्छा आपने एक टीचर पकड़ लिया, अब आजकल के सिनेरियो में अगर आप देख लें आप टीचर इंग्लिश का पकड़ लेते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस भी उनके पास करते हैं, अब आप जैसे कि आजकल सीन चल रहा है हर मंथ मतलब टीचर्स को होता है कि बस बच्चे लें फी लें, ये वाला भी एक केस होता है ना कि बस फी देते जाएं हर मंथ, आप फी भी दे रहे होते हैं सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन वो इतना उनको होता है कि बस हर 15 डेज के बाद भाई अब नया सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं नया सेशन, तो ये एक लंबा जर्नी है। उस केस में जब आप टीचर्स को फिर कह रहे हैं, आप टीचर्स को जाहिर है आप फी भी दे रहे हैं, आप उन्हें ये भी कह रहे हैं कि हमारे एसे इवेलुएट करें, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता और आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हो, वो टेंशन अलग कि यार हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं फी भी दे रहे हैं मिल भी नहीं रहा कोई, उस केस में क्या करें? जी सर इस केस में फिर क्या करें, ये इस केस में क्या मतलब करना चाहिए, फिर अपना मुर्शिद चेंज कर देना चाहिए या क्या इस केस में करना चाहिए? अच्छा पहली बात ये है कि मैंने ये कहा, आपने मेरी पूरी बात को नहीं सुना शायद, मैंने पूरी बात ये कही कि आपने चस्के लेने के लिए टीचर नहीं बदल देना, मैं उन लोगों से मुखातिब था कि जो जस्ट चेक करते रहते हैं बस टेस्ट लेते रहते हैं, मेरा खिताब उन लोगों से था। हाँ इस केस में जब आपको लगता है कि पूरी अटेंशन नहीं मिल रही फिर आप बदल लें, नो इशू, लेकिन मेरा जस्ट जो टारगेटेड ऑडियंस थी मेरी वो थे कि जस्ट फिरते रहते हैं, मैंने एक मिसाल भी आपको दी थी कि मेरा एक दोस्त था वो वेरी नेक्स्ट मंथ एकेडमी बदल जाता था, तो वैसा सिनेरियो नहीं आपने अपने साथ करना, मेरा कहने का ये मकसद जी। आपके साथ आप सब लोगों के साथ बड़ा मजे का सेशन रहा, इंटरेक्टिव रहा, मैंने बजाय कि अपनी मैं कहानी आपको सुनाता या कोई भी बात करता तो मैंने आपके ही क्वेश्चन लिए और उनको एड्रेस किया, फिर मैं इंशाल्लाह ताला बूस्टर डोज के लिए आप सारे उस्मान से रिक्वेस्ट कीजिएगा, फिर महीने बाद आपके सामने हाजिर हो जाएंगे विद अ डिफरेंट सिनेरियो, तब तक आपका एक महीना और गुजर चुका होगा या पेपर ज्यादा करीब आ गए होंगे तो तब स्ट्रेस को देखेंगे, तब हम
पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन की वजह स्ट्रेस पे बात करेंगे। दूसरी बात ये कि आप अपना जो भी फीडबैक है वो सर उस्मान को दीजिएगा, वो फिर मुझे फॉरवर्ड करेंगे, मुझे बताएंगे कि उनके स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, उनको कैसा लगा ये सेशन। तो आप जरूर लिख के सर उस्मान को, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होगा उस पर आप अपना फीडबैक दीजिएगा। और मेरा आप सबके साथ दुआएं हैं, अल्लाह निगेबान, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और कुरान पाक की आयत के साथ एंड करते हैं कि अल्लाज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। अल्लाह ताला ने मौत और हयात को खल किया ताकि वो ये देख सके कि कौन अच्छा अमल करता है। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज। Thank you, Sir Ali, for your valuable time. It has been a pleasure always कि आप आते हैं और अपना valuable time से इतनी अच्छी tips बताते हैं। Hopefully सबने कुछ ना कुछ जो है वो सुना होगा, कुछ note किया होगा, उनकी value addition हुई होगी। And definitely at the end again, thank you for your time. Like finals are coming and you still managed to spare some time for us. So we can just only say thanks and that. Like there cannot be compensation for your time. So again, thank you and hopefully aap sabko jo hai fayda hua hoga. Aapka tha to aapne kaha, aapne hukm kiya to aana pada. Aap ye dekh le, main abhi bhi taiyar hu. Main kafi zyada ek do aur sessions the, kuch mere apne personal jo the wo presentations thi, wahan se ho gaye seedha aapke. Thank you ji, thank you ji. Baki sab ne kuch na kuch suna hoga, usko definitely aap note kare aur response wagaira jo hai wo mujhe aap WhatsApp करते हैं, inbox करते हैं, and that's all for today. So we are ending the session. Thank you all. Hafiz. Thank you.